के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। भैया बचपन में आप भी कोई कम शरारती नहीं थे। याद है एक बार हम चारों नदी के किनारे खेलने गए थे, रंजीत तब एक या दो साल का था। आप दीदी को डराने के लिए मुझे कंधों पे उठा के छोटी पहाड़ियों की तरफ भाग गए थे। थोड़ी देर बाद दीदी डर के मारे रंजीत को पकड़ती हुई हवेली की तरफ दौड़ती हुई चली गई। याद है, और मैं खुद रास्ता भूल गया था, शाम गिर रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था, याद है? बड़ी मुश्किल से हम गांव वालों की मदद लेकर हवेली तक पहुंचे थे, और जैसे ही हम हवेली में घुसे थे पिताजी मुझ पर बरस पड़े थे। आपको डांट पड़ती देखकर दीदी रो पड़ी, और दीदी को रोता देख के मैं भी रो पड़ी थी। आज भी जब उन दिनों को याद करता हूँ गायत्री, तो ऐसा लगता है बचपन में मैं इतना शरारती था। सच, लेकिन दीदी अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। कुछ नसीब है, वो एक हम ही हैं जो बदलते हुए वक्त के साथ साथ बदल गए। जानती हूँ भैया, पहले आप मुझे छोटी कह के पुकारते थे, उस नाम में कितना अपनापन था। अब पिछले कुछ सालों से आप मुझे गायत्री कह के पुकारते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं कोई गैर मुझे पुकार रहा हो। गायत्री, I'm sorry गायत्री। दरअसल मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था। ऐसा कर, आज से मैं तुझे छोटी कह के बुलाऊंगा, ओके? भैया, गायत्री से छोटी कहकर पुकारने में थोड़ी तो दिक्कत होगी आपको। होगी तो कोशिश करूंगा छोटी। भैया, आप अभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हाँ, करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मतलब मकानों में? हाँ भैया, 3 लाख में खरीदा गया मकान 3 साल में 8 या 10 लाख में बिकता है। जानता हूँ। भैया मैंने भी एक दुकान खरीदी है, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है। अरे हाँ भैया, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना पार्टनर बना सकती हूँ। पार्टनर? हाँ भैया, मैं अपना बुटीक उसमें खोलूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जरूर कामयाब होगी। और इनकेस अगर बुटीक नहीं चलता है तो भी हम दुकान बेच देंगे, उसमें भी फायदा तो होगा ही ना। कितना इन्वेस्ट करना होगा? सिर्फ 15 लाख। 15 लाख? भैया मैं जानती हूँ आपके लिए मामूली रकम है। भैया ये दुकान जब मैंने खरीदी थी ना, तो इसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, और अभी 3 महीनों में इसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गई है। गायत्री, मेरा मतलब है छोटी। भाई देखो, इस वक्त मैं इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सोच लीजिए भैया, मैं तो ये आपको इसलिए ऑफर कर रही थी कि आप ही को फायदा होगा। बिजनेस अगर परिवार में ही रहे ना तो अच्छा है। भाई इसके लिए तुम ये क्यों नहीं करती कि पिताजी से या हरी से बात करके देखो। भैया सबसे पहले आप ही को ऑफर करना चाह रही थी ना। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू छोटी। Thank you.
सुनिए, मेरा नाम रंजीत है और आप? मैं स्वीटी, स्वीटी खुराना। आप? मैं वीरेंद्र प्रताप का छोटा बेटा हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं सूरज के साथ आई हूँ। आई सी, आप करती क्या हैं? मैं कुछ नहीं। आप फिल्मों में काम करना चाहती हैं? फिल्म्स? और मैं कभी सोचा ही। मैं फिल्मों में काम करता हूँ। रियली ग्रेट, कौन सी फिल्म की आपने? प्रेत आत्मा, आखिरी चिट्ठी, बादशाह बेगम गुलाम और बहुत सारे। इन सब में आप हीरो थे? नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल किया है। प्रेत आत्मा में मेन विलन प्रेत का छोटे भाई का रोल, और आखिरी चिट्ठी में पोस्टमैन का, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में आकर हीरोइन को हीरो का आखिरी खत देता है। बड़ा इमोशनल सीन था। बादशाह बेगम गुलाम में जोकर। आपने ये फिल्म्स नहीं देखी? नहीं, लेकिन जरूर देखना चाहूंगी। मेरे पास वीडियो कैसेट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे। आप जब आप कहें। अभी आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं? फिलहाल मैं अपनी खुद की फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हीरो का रोल कर रहा हूँ, और हीरोइन की तलाश थी और आप मिल गए। यानी मैं आपके साथ हीरोइन का रोल करूँगी? जी। आप ही खुद डायरेक्ट करेंगे? चाहता तो था, लेकिन क्या करें, आप जानती हैं कि डायरेक्शन में इतना वक्त निकल जाता है कि एक्टिंग कब करूं। इसलिए मैंने अपना जिगरी दोस्त उल्लास भाई को कहा है कि प्लीज डायरेक्ट द फिल्म। उल्लास भाई, वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हम ऐसे वैसों के साथ काम नहीं करते। अगर मैं सिलेक्ट हो गई, मैं उनके साथ काम करूंगी। आप सिलेक्ट हो गई, ये डिसीजन फाइनल मेरा है। उल्लास भाई को मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपका फोटो सेशन लेना होगा। फोटो सेशन? हाँ, डोंट वरी, मैं निकालूंगा आपका फोटोज। वाह, क्या प्रेजेंस है, क्या प्रोफाइल है, क्या फीचर्स है आपकी, ब्यूटीफुल। अगर आप मेरी फिल्म में काम करेगी सुपर हिट होने के बाद, वाह, आप माधुरी जुई श्री पद छुट्टी कर देगी। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, क्या बात है, आप अपने जुल्फों को रख लीजिए। वाह, सूरज, देखिए रंजीत साहब मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहते हैं। हेलो सूरज, मैं स्वीटी का फोटो सेशन ले रहा था, वो आई मीन स्क्रीन टेस्ट। इट्स ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना फिल्मों में इंटरेस्ट है। मुझे भी कहाँ पता था, वो तो अभी। वैसे मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी पोस्ट था। तो फिर चले खाना खाने के लिए? हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी, चलो। तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ। तो चलो ना। अरे उसकी बाजू उसको पकड़ा रहे, अरे पकड़ के जो पीटा रहे, अरे वो जिंदगी भर याद रहे। मुझे तो विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास हो रहा। अच्छा। चलो अच्छा हुआ, एक आदमी तो मुझ पर विश्वास करता है। देखो अशोक भैया, भाई ये सब लोग जो है ना, यही सोचते हैं कि मैं हमेशा कोई ना कोई कहानी सुनाते रहता। अरे भाई, तो इसमें शक ही क्या है, इसे जब देखो दिलीप कुमार देवानंद जगदीप बना रहते हैं, और अपनी वो मीता जब देखो मिल्सन बूंस में खोई रहती है। ओ जी महाराज, हमारा सूरज कौन सा भला है, हमेशा एक्सपेरिमेंट में डूबा रहता है। अजी मुझे तो लगता है कभी कभी किसको याद दिलाना पड़ेगा, भाऊ मैं और किरण तेरे माँ बाप। अरे भाई साहब, ये उम्र ही ऐसी है, जब हम इस उम्र के थे हम भी ऐसे ही थे। अरे गायत्री, पिछली बार जब हम मिले थे तुम किसी बुटीक की बात कर रही थी, याद है तुम्हें? हाँ, वो मैंने खरीद लिया है। कहाँ थी? बांद्रा पाली हिल में।
अरे फिर तो बहुत महंगा मिला होगा। नहीं, 35 लाख का। बस सिर्फ इतना ही? क्यों, कुछ महंगा बोलना चाहिए था क्या? अरे भाभी, हमारे पड़ोसी के भांजे ने उसी इलाके में दुकान खरीदी है, 20 लाख देने पड़े उसे। फिर तुम्हें 5 लाख में कैसे मिल गया? वो दुकान 10 साल पुरानी थी ना, इसलिए। लेकिन छोड़ो ये बिजनेस की बातें, क्या तुम, अरे भाभी ये नेकलेस कितना खूबसूरत है, कितने में खरीदा? वो क्या है कि इन्होंने गिफ्ट दिया था। ओ देखो ना दीदी, ये दोनों तो खो गए अपनी दुनिया में, एक किताबों में डूबा है और दूसरा मैग्नेट में। चलो ना दीदी कुछ करते हैं। क्या करना है? कुछ खेलते हैं। अभी इस वक्त नहीं मीता, कल खेलेंगे। आप बहाना बना रही हो। नहीं मीता, कल खेलेंगे, प्रॉमिस। तो फिर कुछ बातें करते हैं। वो तो मैं कर ही रही हूँ ना। और ये दोनों? अब तुम्हें इन दोनों की क्यों इतनी फिक्र है? क्या बात है मीता? कुछ नहीं दीदी। अच्छा अनिल। हाँ दीदी। मीता कह रही है तुम उसे बात नहीं कर रहे हो। दीदी जब ये मेरे से कोई सवाल पूछती है तो मैं इसे जवाब दे देता हूँ। और सूरज तुम क्या मैग्नेट लेके बैठे हो, चलो छोड़ो उसे। ओके बोलो क्या करना है। ये हुई ना बात, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। ठीक है, मैं और भैया एक तरफ और तुम दोनों एक तरफ। एक मिनट में आती हूँ। अभी आप कहाँ जा रही हो? मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। ओ नो दादाजी। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको लेने आई हूँ। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो क्या है बेटा, मैं वो देख रहा हूँ जो मुझे 2-3 सालों के बाद कभी एक बार देखने को मिलता है। क्या है कि अपने बच्चों को एक साथ बैठकर हंसते खेलते देखने में जो मजा है, जो सुख है, वो शायद तुम इस उम्र में नहीं समझ पाओगी। शायद मैं ये ना समझ सकूं, लेकिन एक बात तो मैं भी जानती हूँ दादाजी। वो क्या है? जिस तरह दुख बांटने से दर्द हल्का हो जाता है, उसी तरह सुख बांटने से सुख भी दुगना हो जाता है। अरे बाप रे, ये इतने से छोटी सी उम्र में तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? जिंदगी से दादाजी, जिंदगी ने मुझे बहुत सी बातें छोटी सी उम्र में ही सिखा दी। बचपन से जिंदगी का सामना अकेले जो करती आई हूँ। अच्छा क्या अपने आप को अभी भी अकेली महसूस करती हो? नहीं दादाजी, आप सब जो मिल गए, इतना अपनापन तो मुझे कभी नहीं मिला। तो चलो अपने अपने में जाएंगे। चलो मैं तो अब भी अपने में हूँ। अरे पिताजी आप आइए यहाँ आकर बैठिए ना। अरे वाह, उन्हें तुम्हारे पास बैठ के बोर होना है क्या? पिताजी आप यहाँ बैठिए हमारे पास आइए। नहीं दादाजी आप हमारे साथ बैठिए, दीदी आपको अंताक्षरी खेलने के लिए लाने ही गई थी। क्यों दीदी? अरे कमाल है, मुझे तो पता ही रहता है कि मेरी इतनी डिमांड है। क्यों ना हम एक साथ बैठे। अरे इसको इधर आहिस्ता आहिस्ता। आओ जी बैठो बैठो। आप सबसे एक बार अपनी जी बोलो, कल सुबह बराबर 6 बजे हम सब लोग घूमने के लिए जाएंगे, वॉक के लिए। ओके भाई, इसमें किसी को कोई इतराज तो नहीं है? नो दैट्स ग्रेट, इतनी सुबह और वो भी वॉक। हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और मैं कहता हूँ जी वॉक करने से थोड़ा वजन भी घट जाएगा। मैं और शीला भी चलेंगे, क्यों शीला? हाँ हाँ चौकस, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, गुड आइडिया। इनफैक्ट कल सुबह से मैं जॉगिंग स्टार्ट करने का सोच ही रही थी। क्या हुआ? नमस्ते। ओहो शंकर महाराज, कितने दिन तुसी है जी? बाहर गया था।
काम में फंस गया था। अच्छा, इतनी रात गए? झूठ, भूल गया होगा कि हम लोग आने वाले हैं। क्यों रे, बाहर घूम रहा था? सच कह रहा हूँ दीदी। बेटी स्वीटी, ये शंकर है। शंकर, ये स्वीटी है, सूरज की मंगेतर। नमस्ते। नमस्ते। पुत्र स्वीटी, शंकर जी है ना, बाबूजी के बाद घर में ही नहीं की चलती। जी जाजी, काहे मस्करी करते हैं। ले शंकर। अरे शंकर, आजा आजा। क्या बात है भैया, इतनी रात गए, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं रे, बस यूं ही तुझसे मिले बहुत दिन हो गए थे ना, सोचा तुझसे ही बात कर लूं। कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। हाँ भाई, आप कैसे हैं भैया? बस काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। हाँ रे, काम काज बढ़ गया है ना, और फिर तेरे जैसा कोई असिस्टेंट तो है नहीं मेरे देखभाल के लिए। भैया आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं रे, सच कह रहा हूँ मैं, इतने सालों से देख रहा हूँ तुझे इस घर में, और फिर बाबूजी भी तेरी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा शंकर, अपने घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं तो भैया, बाबूजी मेरी अच्छी देखभाल करते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, पर मैं तेरी बात नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई? मैं तो अच्छा खर्चो, बाबूजी की तबीयत ठीक है ना? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, ठीक। अच्छा रुकिए, मैं पूछ के आ। अरे नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ, पूछने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे लगा तू उनके लिए दवा लेने गया था। मैं कब? शाम को जब हम लोग बागीचे में बैठे थे। बागीचे में बैठे थे? हाँ। ओहो भैया, मैं तो अपने काम से बाहर गया था। अच्छा 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 अच्छा, फिर तू पिताजी से क्या बता रहा था? मैं? हाँ कब? अरे मैंने बाबूजी से बात ही कहाँ की। कमाल है, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा भैया आपने? यही कि तू यूं यूं कर रहा था। यूं यूं? हाँ यूं यूं, पिताजी ने तुझसे कुछ पूछा और तूने उसका जवाब यूं यूं करके दिया। अरे मैं वही तो कहूँ, मैंने पिताजी से बात ही कहाँ की भैया। ओफो, मेरा मतलब उन इशारों की तरफ था जो तुम दोनों एक दूसरे को देख कर रहे थे। अरे वो कुछ नहीं था भैया। कुछ नहीं था? क्या मतलब, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर यूं ही ऐसे ऐसे करके गर्दन हिला रहे थे? अरे क्यों चिढ़ रहे हैं भैया? अरे बाबूजी ने मुझसे पूछा, शंकर तू कैसा है? मैंने बोला बाबूजी मैं ठीक हूँ, बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात? हाँ भैया इतनी सी बात। सच कह रहा है तू? हाँ भैया मैं सच कह रहा हूँ। अरे भैया कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात होती तो मैं सबसे पहले आपको नहीं बताता क्या? शंकर मुझे तेरा ही तो भरोसा है। तुम यहाँ क्या करे? ये सवाल मैं आपको पूछूं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। यही तो मैं कह रहा था सर कि गाजर अच्छी है, खाओगी, सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, मेरी जासूसी कर रहे हो और कह रहे हो इट्स माय बिजनेस? शर्म नहीं आती दूसरों के मामले में दखल देते हुए? जानी, जिनके घर शीशे का हो वे दूसरों के घरों पर पत्थर फेंका नहीं करते। खामोश। कल से ले जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम 4:30 बजे सुबह उठ पाओगी? आदत की बात है दादाजी, 2-3 दिन लगेंगे, फिर नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर कल से शुरू हो जाते हैं। नाना जी आज आप सैर के लेने गए? बिल्कुल गया था सूरज, 4:30 बजे गया था, 4:30 से 6 बजे तक सैर करके आया हूँ। और अब हमारे साथ भी चलेंगे? बिल्कुल। वाओ, व्हाट फैमिली। गुड मॉर्निंग दादा जी। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। अरे बेटा तुम तो 5 मिनट लेट हो गई हो, लेकिन तुम्हारे डैडी और मम्मी कहाँ है? पूछिए मत, उनका तो सुबह से टैटा चालू है। टैटा मतलब? उनके बीच जो झगड़ा होता है ना, उसे मैं टैटा कहती हूँ। लेकिन अभी किस बात पे झगड़ा चल रहा है? मम्मी हीरो का नेकलेस पहनना चाहती है और डैडी उन्हें मना कर रहे हैं।
मोहन बाबू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई, वार्म अप हो रहे हो क्या? हाँ जी, वो बात दरअसल ये है बाबूजी कि अपनी जिंदगी की गड्डी जो है वो आज तक फर्स्ट और सेकंड गियर से ऊपर चली नहीं है, है जी? और अब थर्ड और फोर्थ में चलानी है तो थोड़ा सा ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी गाड़ी डीजल पे चलती है, पेट्रोल पे नहीं? बेटे तुम उसे उबली हुई सब्जी खिलाओगी तो डीजल पे नहीं चलेगी तो क्या होगा? ठीक है जी। सॉरी पिताजी, थोड़ा लेट हो गया। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसी एक सुबह थी रंजीत बेटे, एक मिनट, अभी नहीं, बाहर चलते पहले, चलो चलो। अरे अभी बाहर तो आ जाओ, आ जाओ, आज तेरी मेरी दौड़ हो जाए। तुम क्या है? सॉरी पिताजी, सॉरी। भाभी जी, इन मालों के बीच में आपका मंगलसूत्र कहाँ है? ध्यान से देखोगे तो मंगलसूत्र भी दिखाई देगा, पर मैं चौकस न जा जाएगी। दादाजी, ये सारी जमीन आपकी है? बिल्कुल बेटे, उस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक, और यहाँ जो नदी बह रही ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक। वाह, कल से मैं स्विमिंग भी आया करूँगी। अरे चलो चलो, कहाँ रहेगा, चलो बेटा। लगता है अपने शहर का बहुत ख्याल है तुम्हें। नहीं दादाजी, वो बात नहीं, बात ये है कि शहर में ये सब कहाँ करने को मिलता है। शहर में तो पोल्यूशन इतना है कि वॉक के लिए जाओ तो जरूर बीमार पड़ जाओगे। और स्विमिंग पूल की तो बात ही छोड़िए, क्लोरीन से भरा रहता है। और यहाँ का पानी देखो, यहाँ सब कुछ कितना ताज़ा है, ये सुबह की हवा। इट्स ग्रेट दादाजी, यहाँ पर रहने से तो उम्र की 10 साल बढ़ जाएगी। जो बात बड़े नहीं समझे वो बच्चे समझ गए। जल्दी करो, अरे चलो चलो। क्या मतलब? वाओ, दैट्स ग्रेट। सूरज वो भी देखो। या अरे आगे कहाँ चले जा रहे हो? मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर में मोच आ जाएगी। ओफो, चलो चलो भाई। अरे चलो, कितना ऐसा चल रहे हो, चलो। होंगे तो कैसे लगता है? अब इसमें लगने वाली क्या बात है? अब क्या होना चाहिए? देखो मीता, मैं यहाँ सीन के लिए नहीं आया हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। इट्स एन एक्सरसाइज, समझी? तुम बिना कुछ नहीं समझते, ऐसे माहौल में पता है क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। देखो मीता, मॉर्निंग वॉक करते वक्त बातें करना सेहत के लिए खराब है। क्या बोर हो तुम, बिल्कुल टीचरों जैसे बात करते हो। वो तो मैं करूंगा ही, प्रोफेसर बनने का जो इरादा है। और प्लीज मुझे और परेशान मत करो। अरे पर मैंने कहा ना, नो टॉकिंग। बिल्कुल मिल्स एंड बूंस के हीरोइंस के जैसे बातें करती हो। तुम्हें कैसे पता? मीता, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। देखो, अगर इसके बाद तुम मेरे साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती तो मुझे मत रोकना। तुम रहो यहाँ पे, मौसम का मजा लेते, मैं चला। अनिल, मैंने कहा ना मुझे मत टोको। समझता क्या अपने आप को? मैं भी दिखा दूं कि मैं कितना तेज चल सकती हूँ। दादाजी, दादाजी हम रेस करें? ये बोलो कहाँ तक करना है? इस झाड़ तक। ओके दादाजी, हम भी रेस करोगे? अरे क्यों नहीं बेटा, चलो। वन, ऑन योर मार्क, पीछे पीछे पीछे, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। या संसार की, रिश्तों में बुझी कहानी।